हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। और ये रेसिपी है मिर्च वाली गोश्त का, हरी मिर्च वाली गोश्त का। ये पहली बार आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत झटपट बन जाएगी ये मिर्च वाली गोश्त और काफ़ी टेस्टी लगेगी। तो ये मैंने इनका इन्ग्रीडियंट दिखाऊंगी और इसमें मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 kg मटन और 2 बड़े साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और 5-6 हरे मिर्च। हरे मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा कम खाती हूँ इसलिए मैं 4-5 ही डाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा डालना तो आप डाल सकते हैं। और मैंने फ्राई पैन चढ़ाया, उसमें मैंने ऑयल डाला, ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून डाला। उसके बाद मैंने उसमें अनियन और ग्रीन चिली मैंने ऐड कर दिया और इसे इतना ब्राउन, मतलब इसे इतना फ्राई करना है कि ये हल्का गोल्डन ब्राउनिश टाइप का दिखने लगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। मैंने जो बताया कि मैं पहले भी थोड़ी थोड़ी पीस के मैंने कट कर लिया है, इस वजह से उसे कुकर ऊपर भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मल पैन या कढ़ाई में बन जाएगी। और मैं जो यहाँ 2 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें कोई गर्म मसाला और कुछ नहीं बनेगा और कुछ नहीं लगेगा इसके अंदर। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए। आप तेज खाते हो तो आप ज़्यादा डालो और कम खाते हो तो कम यूज़ करो। और मैं इसमें 2 जो मीडियम साइज़ के टमाटर काटे थे मैं उसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। और इसमें कोई गरम मसाला या कोई और पाउडर, सूखी मिर्च या कुछ और का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मैं काश्मीरी मिर्च यूज़ करूँगी, क्योंकि काश्मीरी मिर्च से इसका थोड़ा कलर अच्छा आता है, इस वजह से मैं यहाँ पे काश्मीरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नहीं, कलर की वजह से नहीं डालना चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा कलर इसका अच्छा देना था इसलिए मैं इसमें लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। चलाने के बाद मैं 7 मिनट की इसको ढक के कवर कर दूँगी। अब मैं इसका लीड कवर करूँगी और कवर करके मैं 7 मिनट तक वेट करूँगी। फिर मैं अब ओपन करके देखूँगी कि गोश्त गला है कि नहीं। मेरा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से टेस्ट भी अच्छा आता है, इसका लुक भी बहुत प्यारा दिखता है। तो यहाँ मैं धनिया पत्ती ऐड कर चुकी हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब मेरे चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और ऐसे ही मैं रेसिपी कुछ नए तरीके के लेके आते रहूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।